आप चाहो तो इसे नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले सकते हो। सपोज करो हमने माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उल्टा डायरेक्शन है, ठीक है। सिमिलरली ये भी हो सकता है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब आई होप समझ में आ गया होगा व्हाट आई मीन, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी चीज समझो, के टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है। अगर मैं ए बी वेक्टर का के टाइम्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या फर्क होगा वो देखो। बच्चे पूछते सर इस पे मोड़ क्यों लगाया के पे। बेटा इसलिए लगाया क्योंकि, अच्छा नीचे का नहीं दिख रहा, तो फिर इधर देखो। के पे मोड इसलिए लिया है बिकॉज अगर के नेगेटिव भी होगा तो जब उसका मोड लिया जाएगा तो उसको पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी वेक्टर का जो मॉडुलस होता है यानी कि मैग्नीट्यूड होता है वो पॉजिटिव ही होता है बिकॉज वो लेंथ को प्रेजेंट करता है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। आई होप यू गॉट इट। यहाँ तक किसी को भी कोई इश्यू तो वो बोल सकता है। नहीं तो कॉपी करो फटाफट।
कॉपी करो बेटा फटाफट। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। हमने ये ग्राफ बनाया पहले, ये डायग्राम बनाया पहले, तो उसके बाद में हमने तीन, ठीक है, डिस्टेंस सिलेक्ट करी जिनके कोऑर्डिनेट्स सिलेक्ट किए, लेकिन ठीक है। हाँ
देखो क्या है, हमने ए को लिया 100, बी को लिया 010, सी को लिया 001। अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं इनका मोड निकालता हूँ तो डिस्टेंस होगी यूनिट लेंथ की, ठीक है। तो हमने अगर यूनिट लेंथ की होगी तो इसलिए हमने उनको लेट कर लिया आई जे के, ये हमने लेट किया है इसलिए मैंने नीचे लिखा है वेयर वे ओ बी ओ सी आर यूनिट वेक्टर, क्योंकि हम ये निकाल चुके हैं ये रहा, ठीक है। इज डिनोटेड बाय आई जे के, मैंने उनको डिनोट किया है रेस्पेक्टिवली इन डायरेक्शन ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, ठीक है। और उनको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये ऊपर लिख रहा, तो एक बार इसको कॉपी करो फटाफट।
किसी पॉइंट की पोजीशन फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर निकालना। पॉइंट पी मैंने लेट किया एक्स वाई जेड, उससे परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया किस पे, एक्स पे, तो ये डिस्टेंस हो गई एक्स। सी पे किया तो ये डिस्टेंस हो गई जेड। सिमिलरली मैं वाई पे करूँगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी वाई। होगी नहीं होगी कोई डाउट किसी को? होगी नहीं होगी? किसी को भी कोई डाउट है तो वो बोल सकता है। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर क्या लिया है, आई कैप, जैसे आप लोग पढ़ते हो, लाइक ये आपने एक स्केल है आपका जो बचपन में आप लोग यूज करते थे ना, ऐसा वाला, वो एक क्या बोलते हैं आप लोग उसको, एक स्केल यूज करते थे ना बचपन में, उसमें ऐसे लिखा हुआ होता था। ऐसा कुछ होता था ना, इसके ऐसा रूलर लिखते थे ना, रूलर नहीं होता था क्या वहां पे एक? ठीक है, तो अगर उसमें मैंने इस लेंथ को 1 यूनिट माना है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी यूनिट हो गई है? 9 यूनिट। बट अगर मैं ये कह दूं कि ये 9 यूनिट में जो 1 यूनिट इक्वल ये है ना, इसको मैं कह रहा हूं 1 इंच, तो ये 9 यूनिट कितना हो जाएगा? नाइन इंच ऐसे है ना, लेकिन ये कैसे मालूम किया आपने कि ये 9 इंच है? आपने तो नहीं देखा इसको, ऐसे तो कोई कुछ नाप नाप के तो देखा नहीं आपने। भाई आपने 1 यूनिट को 1 इंच लेट किया, तो इस 1 मल्टीप्लाई इंच किया था ना, तो इसको भी क्या कर दोगे, 9 मल्टीप्लाई इंच, तो क्या आ जाएगा, 9 इंच। सिमिलरली जब हम किसी वेक्टर में एक्स एक्सिस पे कोई वेक्टर कैलकुलेट करेंगे गिवन पॉइंट का,
तो उसके यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो ओ ए क्या हो जाएगा, ओ ए है, अगर ओ ए है तो एक्स है, बट अगर ओ ए वेक्टर लिख रहे हो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, एक्स आई कैप होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसका यूनिट वेक्टर भी तो उससे मल्टीप्लाई करोगे उस डायरेक्शन का। तो ये अगर इतनी एक यूनिट को प्रेजेंट करता है तो एक्स यूनिट में कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप। भाई हमने लिखा था ना आई कैप बराबर क्या है, आई कैप का मोड बराबर 1, तो 1 लेंथ बराबर आई कैप है, ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा। अब अगर इसमें से लेंथ हटानी है अपने को तो लेंथ लेंथ हटा दो, लेंथ नहीं रखना चाहते हम तो वेक्टर फॉर्म में रखना चाहते हैं, तो मोड हट जाएगा, आई कैप आ जाएगा। इतना डिटेल में दोबारा नहीं समझाऊंगा, बस अभी समझा रहा हूँ खाली अभी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कोई दिक्कत नहीं आता तक। मैंने इस ओ वाई के पैरेलल एक यहां पे लेट किया, ओ वाई के पैरेलल एक वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का मैंने यहां लेट कर लिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा y। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ x i कैप और y j कैप, होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है और ये है आपका इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये इस डायरेक्शन में होगा। अगर इसको मैं नाम दूँ m, तो नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए एम हमें क्या मिलता है, ओ ए वेक्टर प्लस ए एम वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर। तो वैल्यू पुट कर दो, ओ एम वेक्टर क्या आ गया हमारे पास में, आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। किसी को भी कोई इश्यू तो बोल सकता है। अब ये जो ओ एम है ये किसमें है, एक्स वाई प्लेन में, यहाँ पे जो एक्स वाई प्लेन है ये वाला, लाइक ऐसे समझो, ये आपका था हमारा क्या, ये हमारा एक्स इधर की तरफ ले रखा है इसको, तो ऐसे ले लो, चलो कोई बात नहीं, आपने जैसे बोर्ड पे बनाया हुआ है हमने वैसे लेंगे हम इसको, ताकि समझ में आए। ये हमने ले रखा है एक्स इस तरफ का, ये हमारा वाई, और ऊपर की तरफ हमने ले रखा है जेड। साइक्लिक रोटेशन में होना चाहिए, ये मैटर नहीं करता है कि आप इसको वाई ले रहे हो या इसको जेड ले रहे हो, साइक्लिक ऑर्डर में होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तो एक्स और वाई का यूज हमने किया, और उस प्लेन में हमने वेक्टर कैसे निकाला, हमने इस डायरेक्शन में एक वेक्टर निकाल लिया ना यहाँ से, भाई हमने एक्स वाई प्लेन में तो निकाला, अभी ये सॉल्व किया जो, या एक्स वाई के प्लेन का तो सॉल्व किया था हमने, तो एक्स वाई प्लेन कौन सा है, मार्कर वाला प्लेन, ऐसा प्लेन जिसमें दोनों मार्कर एग्जिस्ट करेंगे, पेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि दोनों मार्कर जिसमें एग्जिस्ट करेंगे उस प्लेन की बात कर रहा हूं, इस वाले प्लेन की,
ठीक है, तो उस प्लेन नया वेक्टर आ गया जिसको हमने नाम दिया ओ एम, जो कि इन दोनों के सम के इक्वल था। कोई दिक्कत यहां तक? इन दोनों के सम के इक्वल एक प्लेन ओ एम, इस प्लेन में ओ एम वेक्टर हमने सॉल्व करके निकाल लिया। तो अब अगर वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक आ गया मानो, तो इस पॉइंट पे मैंने जेड के पैरेलल एक वेक्टर लेट किया, जेड के पैरेलल कहाँ पे, इस पॉइंट पे। भाई ये माना हमारा ओ एम इस लेंथ का आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो इस पॉइंट से जहाँ मेरी फिंगर है, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ हमने जेड के पैरेलल एक सी लेंथ का, यानी सी है क्या है, जेड, सॉरी, जेड के लेंथ का हमने यूनिट वेक्टर, जेड के लेंथ का हमने एक वेक्टर लेट किया, तो वो कहाँ होगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर चुका हूँ ना, तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो उस वेक्टर का और इस वेक्टर का सम हमारा क्या होगा, ओपी तो होगा। ठीक है, 3D फिगर है बेटा, इमेजिनेशन पे बेस्ड ध्यान रखना, आपको इमेजिन करना ढंग से आना चाहिए। तो हमने क्या किया था, हमने एक्स वाई प्लेन में ओ एम निकाला। अब हमने ओ सी से यहाँ पे, पी से एम पे एक हमने जो है लेट कर लिया क्या, ये जो मैं लेट कर रहा हूं ना एम पी, तो ये क्या है, ओ सी और एम पी इक्वल है। पहले इसमें लिख लो, ई एम वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू वाई जी ना बेटा, मैं ये वाली लाइन हटा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, फिगर बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा। आप लोगों को इतना सा समझ में आ रहा है कि वाई जे क्या है, उसको मैं नहीं छेड़ूंगा। ठीक है, ये ओ ए क्या है ये भी आपको समझ में आ रहा है, इसलिए मैं इसको भी नहीं छेड़ूंगा। ठीक है, और ये ओ सी भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है नॉर्मली, तो बस समझाने के लिए मैंने लिया था। तो पहले तो हमने इन दोनों को सॉल्व करके हमारा ओ एम निकाला। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, पी से हमने एम पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम ट्राइंगल OPN। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, और वो एम बार की डायरेक्शन में, तो हमें मिलेगा OP वेक्टर इज इक्वल टू OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर, सिंस MP वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर इज इक्वल टू ZK। तो ओ पी वैक्टर इज इक्वल टू ओ एम की वैल्यू हमने यहाँ से लिख दी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। कोई भी दिक्कत हो यहाँ तक तो बोलो। मैं डिस्कशन मोड पे डाल रहा हूँ, कोई भी इश्यू तो आप पूछ सकते हो मेरे से माइक ऑन करके। ठीक है, वेट। बोलो।
हाँ बेटा, मैं ऐसे पूछ रहा था, जैसे आपने बताया बी और ए का जो प्लेन है उस पे एम बनेगा, बी आर तो उसके ऊपर ये जो ओ एम बनाया आपने, ये बी एम नहीं होगा क्या? ओ एम ही होगा बेटा, मैंने ये कहा हमने एक्स वाई प्लेन में, यस सर। मेरा जिसमें एक्स एक्सिस भी हो और वाई एक्सिस भी हो, उस प्लेन में हमने ओ एम को लाया, ओ एम को कैलकुलेट किया है। ओके सर। जैसे अगर ये एक्स वाई यू मान लो यू होता, यहाँ पे होता, तो ये पॉइंट ए हमारा यहाँ होता, बी यहाँ पे होता, ये एक्स होता और ये वाई होता। ठीक है बेटा, तो इसको हम लिखते एक्स आई और इसको लिखते वाई जे। तो इसी के पैरेलल अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर लेट कर लेता तो ये भी वाई जे हो जाता, और बाय द ट्राइंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका डायरेक्शन ये है, इसका भी ये है और इसका भी ये है, तो इसका भी यही होगा। तो बाय द ट्राइंगल प्रॉपर्टी मुझे क्या मिलता, ये जो वेक्टर मिलता ये क्या मिलता, एक्स आई प्लस वाई जे, ये तो मिलता। यस सर। ठीक तो है, सर इसका मतलब ओ एम और ये जो वाई एक्सिस है पैरेलल है, ओ एम और वाई एक्सिस? क्यों यहाँ पे लिखा है क्या, मैंने दिख रहा है आपको ऐसा, ये हमारा नो ओ ही सर। तो है और ये हमारा एम ही तो है, क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पे? बस फर्क ओके इतना सा है सर। कि वो 3D फॉर्मेट है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अब मैंने उसको यहाँ पे बना दिया आपके लिए अलग से। क्या यस सर। पैरेलल हो रहा है क्या, मेरे को तो डायगोनल लग रहा है वो। यस सर। तो फिर ओके सर। पैरेललोग्राम लो से तो ऐड करा है बेटा, कोई इशू? हाँ जी, आप सबको क्लियर है? सबको क्लियर है क्या ये? अब आवाज आ रही है मेरी साहब? फटाफट कॉपी करो बेटा। आपको भी नए साल की राम राम साहब।
रवि गायब हो गया है, शालिनी आनी दी है, वेरी गुड। नाउ लेट ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, यानी आर्बिट्री वेक्टर इन स्पेस हमने लेट कर लिया। ठीक है, देन मोड ऑफ ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर एंड मोड ऑफ ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, पढ़ा है ना? दैट इज इफ ओपी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के देन कोई इश्यू तो बोलो। कोई दिक्कत?
अब यहाँ से हम वेक्टर के प्रॉपर्टीज बनाएंगे, इससे आगे की स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज इतना ही। सो गाइस बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी न्यू ईयर टू अच्छा ब्लर आ रहा है, 1 मिनट बेटा। हाँ बोल अभिषेक, क्या बोलना है? अब तो क्लियर है, बेटा सेकंड और थर्ड चैप्टर दोनों साथ में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और आई होप कि आपका 11th चैप्टर आप लोगों ने होमवर्क में कर लिया होगा। किस किस का हो गया 11th, ईमानदारी से बोलना। इलेवेंथ चैप्टर किस किस का हो गया? निकिता, अभिषेक, अभिषेक सैनी, कंप्लीट कर लिया निकिता 11th चैप्टर? अभिषेक नहीं हुआ, अभिषेक सैनी, यार ये गलत बात है तुम्हारी। नेक्स्ट क्लास तक 12th चैप्टर की 12.134 ये हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए होमवर्क, ध्यान रखना इसका। 12.1, 12.3, 12.4, 12.2 है नहीं शायद, है ना सिलेबस में? बेटा तो कलेक्ट करो, अपने ग्रुप में बोल दो, कोई भी बच्चा डाल देगा, सैनी डाल देगा, अभिषेक सैनी, ललित डाल देगा, ललित का होमवर्क पूरा है। ओके गाइस हैव अ गुड डे, और नेक्स्ट चैप्टर मैंने बताया कौन सा वर्क में होना चाहिए, ठीक है? बाय, टेक केयर।